नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। सतना चित्रकूट मार्ग स्थित बगदरा घाटी में काऊ सफारी का विकास किया जाएगा। घाटी में काऊ सफारी विकसित किए जाने हेतु प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार को घाटी स्थित SAF कैंप पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सफारी विकसित किए जाने की रूपरेखा पर विचार कर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा गुरुवार को सतना चित्रकूट मार्ग स्थित बगदरा घाटी पहुंचकर घाटी में काऊ सफारी विकसित किए जाने बाबत वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। गौरतलब है कि घाटी स्थित SAF कैंप के पास वर्तमान समय में हजारों की संख्या में गौवंशों का विचरण रहता है। ये ऐसे गौवंश होते हैं जिन्हें आसपास के ग्रामीणों द्वारा जंगल में लाकर छोड़ दिया जाता है। बीते लगभग 15 दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के चित्रकूट आगमन के समय स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उप मुख्यमंत्री को घाटी में रोककर हजारों गौवंशों को दिखाते हुए जंगल में काऊ सफारी विकसित किए जाने की मांग की गई थी। उसी के चलते गुरुवार को मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा बगदरा SAF कैंप पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ काऊ सफारी विकसित किए जाने पर चर्चा करते हुए सफारी विकसित किए जाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि घाटी में गौ वंशों के रहने लायक प्राकृतिक वातावरण मौजूद है। स्थानीय निवासियों के द्वारा यहां पर सफारी विकसित किए जाने की मांग की गई है। आज ये कौन सी घाटी है? बगदरा घाटी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में गौ माताएं यहाँ पर रहती है, जो बेसहारा है, जो दूध देना छोड़ देती है उनको, फिर मजबूरी के साथ कारण भटकना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेचुरल हैबिटेट है ये गौओं का, तो इसको विकसित करने के दृष्टि से यहाँ के लोगों ने जो पिछले दिनों मांग की थी, यहाँ पर बसामन मामा गौवंश वन विहार जो रीवा में हमने बनाया है लगभग 10,000 गायों का, उस प्रकार से यहाँ पर विकास हो जाए और एक काऊ सफारी के रूप में ये डेवलप हो जाए, तो उसी की चर्चा करने के लिए कैसे कौन सा काम होगा इसके लिए संबंधित अधिकारियों को बुलाया था, ग्रामीण जनों को बुलाया था। इन लोगों ने अपनी डिमांड रखी, उन लोगों ने उसका समाधान बताया कैसे काम बढ़ेगा। 15 दिन बाद हम आएंगे यहाँ पर और जो भी निर्माण कार्य यहाँ पे होंगे, फेंसिंग के, इस जंगल से लगी हुई सरकारी जमीन में जहाँ पर शेड वगैरह बनाए जाएंगे, इस पूरे कम्प्लीट परियोजना का भूमि पूजन करेंगे।